ओम नमः शिवाय। महाकाल कृपा चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष मानव जाति को दी गई भगवान की एक अमूल्य निधि है। रुद्राक्ष दो शब्दों रुद्र एवं अक्ष से मिलकर बना है। रुद्र यानी शिव एवं अक्ष यानी के आंसू। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव के नेत्रों से जब बूंदे धरती पर गिरी, वहाँ पर एक पेड़ बना। उस पेड़ पे जो फल लगता है, उसे जब छीलते हैं तो उसके अंदर से रुद्राक्ष निकलता है। यानी कि जिस प्रकार आम के अंदर से गुठली निकलती है, उसी प्रकार रुद्राक्ष फल के अंदर से रुद्राक्ष निकलता है। रुद्राक्ष का जो पेड़ है वो हिमालयन क्षेत्रों में पाया जाता है। यह भारत, नेपाल एवं इंडोनेशिया में पाया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं रुद्राक्ष के प्रकार की। रुद्राक्ष के प्रकार को इसके मुख से परिभाषित किया जाता है, जैसे कि एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी। यह एक से लेकर 21 मुखी तक होता है। इनमें से जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है वो काफ़ी विरल पाया जाता है। रुद्राक्ष के ऊपरी मुख पर संतरे के फाँक यानी कि मुख के समान आकृति बनी होती है। इन्हीं से परिभाषित कर इसे मुखी कहा जाता है। नेपाल में पाए जाने वाले रुद्राक्ष की गुणवत्ता सबसे सही होती है। आइए अब हम जानते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, अध्यात्म की बात करें तो भगवान शिव स्वयं रुद्राक्ष धारण करते हैं, इसलिए भगवान शिव से जुड़े लोग रुद्राक्ष धारण करके स्वयं को भगवान शिव से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये इंसान के आसपास एक कवच बना लेता है और नेगेटिव एनर्जी को इंसान की तरफ आने से रोकता है। रुद्राक्ष का जो मनका होता है उसमें एक स्पंदन होती है। हम इसे सीधे तौर पर नहीं देख सकते, ना ही हम इसे सीधे तौर पर महसूस कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इसे फील किया जा सकता है। इसके अंदर कुछ पल्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक एनर्जी बनाती हैं। इसे धारण करने से आपका जो आभा मंडल है यानी कि आपका जो ऑरा है वो शुद्ध होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा यात्रा करते हैं उन्हें रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। इससे आपको तनाव, डिप्रेशन आदि से बचाव मिलेगा। दोस्तों, अगर ज्योतिषीय उपायों की बात करें तो आपको अगर कुंडली में मारक ग्रह की दशा चल रही है या फिर कोई असाध्य रोग से आप ग्रसित हैं तो एक बार रुद्राक्ष जरूर धारण करें। आइए अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है या आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या नियम है वो जिनका आपको पालन करना चाहिए। एक तो अगर आपने रुद्राक्ष की माला पहन रखी है तो माला में कोई भी रुद्राक्ष खंडित यानी कि टूटा ना हो, और अगर ऐसा है तो आप उसे तुरंत उतार दें। दूसरा, इस पर कोई भी साबुन या अन्य रसायन पदार्थ न लगने दें। ऐसा होने पर इसका जो अपना नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कमी आती है। यह एक पवित्र निधि है, अतः इसे हमें बचा कर रखना चाहिए। अपना पहना हुआ रुद्राक्ष किसी को न दें और ना ही किसी का पहना हुआ रुद्राक्ष धारण करें। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी? जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।